अभी मैं मंदिर जा रही हूँ, रघुनाथ जी का मंदिर. दैट इज अनदर मंदिर दैट यू नीड टू सी इन माउंट आबू. सो गोइंग इनसाइड एंड टेकिंग संग्राम जी हु हैज कवर्ड हिमसेल्फ लाइक अ डॉन एंड इज वॉकिंग एज इफ ओ माय गॉड कितना एहसान कर रहा है मेरे ऊपर. एंड बैक टू द मास्क एंड देन वी हैव पूजा ऑल्सो. वी विल हैव एडवेंचर एडवेंचर. बंदर वहाँ पे गेहूँ सुखाए जा रहे हैं. ये बंदर है खाने तो भैया और रघुनाथ जी के हैं. बंदर बहुत है. ये रघुनाथ जी. रघुनाथ जी हाँ, आपको कुछ टिप्पणी देनी है संग्राम यू जी? रघुनाथ जी यानी कृष्ण भगवान जी का एक, रघुनाथ जी उनको बोलते हैं, वो सामने उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का मंदिर है. और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है. और कलयुग में एक ही भगवान है जो जिंदा है ऑफिशियली रूप से, हनुमान जी. हनुमान जी ऑफिशियल रूप से? हाँ, सेफ है यहाँ, कोई बाकी का पकड़ लेंगे. तो अभी हम आ गए हैं मंदिर, दर्शन करेंगे. दर्शन करते समय हम ऑब्वियसली कैमरा साइड में रखेंगे एंड हम अपनी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम फिर से कैमरा उठा लेंगे. ठीक है, कोई देख ही नहीं रहा. भगवान जी देख रहे हैं. भगवान जी के साथ तो मैं बुरा नहीं करूंगा. द ब्यूटिफुल मंदिर फ्रॉम इनसाइड. आई थिंक वी नीड टू डू मोर. When it comes to appreciating our own, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर का सिनारियो, ये सिनारियो दिलवारा टेम्पल्स में तो कुछ और ही था. It was completely different. It was like so good. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बंदर अनाज खा रहे हैं. बंदर नहीं, हनुमान जी. हनुमान जी, सॉरी, हनुमान जी अनाज खा रहे हैं. हेलो हेलो संग्राम से. हेलो, वेरी गुड. हम ही नहीं कि तो कैसे भैया? तो ये हमारे पूर्वज हैं अकॉर्डिंग टू संग्राम जी. सो संग्राम जी इज अलाउड टू काइंड ऑफ टॉक टू देम बिकॉज ये हमारे पूर्वज है ना संग्राम? करते केले केले वगैरह बोल नहीं लेके आए नीचे से, नहीं तो खिलाते इनको. हाँ, अब अनाज खा रहे हैं. देखो The bandar are eating anaj. देखो, वाह, हम भी तो ऐसे ही चीटिंग करके खाते हैं कई बार. चीटिंग करते हो? कितनी चीटिंग करते हो तुम? हाँ संग्राम, how much cheating you do? भैया, जब इंसान जगत में इंसान आ जाता है तो कुछ ना कुछ चीटिंग ही करता है वो. Oh my God, प्रवचन has started. That was पूजा helping us with रघुनाथ मंदिर दर्शन. And अभी बहुत सारे बाकी हैं. So now we have done this darshan and now we are heading back. And we are going to be heading back and see what else we can see. अभी हम मंदिर के महाराज जी से कुछ प्रश्न पूछेंगे मंदिर के बारे में. आई होप उनके ज्ञान से आप सबको सद्बुद्धि मिले. मानव जीवन का एक उद्देश्य है, एक अज्ञान है जिसके कारण हम अपने को समझ रहे. आप जैसे आप है यहाँ पर, कल्पना कीजिए, आप अपने को मोटा पतला गोरा धनी निर्धन समझते हैं. इस शरीर में अहम बुद्धि हो रही कि मैं हो रहा ना, हो रहा है. अब आप यही हैं कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, एक सेकंड, एक मिनट बाद ध्यान दीजिए. आप सोते हैं जी? आप भी सोती हैं. सोने के समय आप सपना देखते हैं जी? आप कहाँ गए, कुछ कर रहे हैं, कहीं दौड़ रहे हैं, किसे मिल रहे हैं? अब आप विचार कीजिए कि जो आप मिल रहे हैं, क्या आपका यह शरीर वहाँ है? नहीं. बताइए, आप हैं वहाँ कि नहीं? नहीं, नहीं. आप जो मिल रहे हैं आप तो हैं, किंतु यह शरीर नहीं है जी.
स्वप्नावस्था में यह जो जागृत अवस्था में शरीर आपका काम कर रहा है यह शरीर वहां पर नहीं है और आप वहां हैं, है ना। आप यहां हैं, आपका मकान तो यहां नहीं है, तो आप मकान से भिन्न है कि नहीं जी, है ना। तो यह शरीर अभी तो लग रहा है मैं इसमें, स्वप्नावस्था में यह नहीं रहता है किंतु मैं रहता है, हम रहते हैं। तो हम हैं और शरीर यह नहीं है, तो इसका मतलब हम स्थूल शरीर नहीं है। आप सोच देखिए, तर्क देखिए, हम स्थूल शरीर नहीं है। अगर हम स्थूल शरीर यही होते तो यहाँ पर ये जागृत अवस्था में वहाँ ये तो नहीं है, तो हम भी नहीं रहते। हम वहाँ हैं और यह नहीं है, इसका मतलब हम ये शरीर नहीं है। पहले तो ये इसी शरीर को राग द्वेष हो रहा है कि इससे संबंध वाले से हम प्रेम करते हैं, इससे जिसका विरोध हो गया उसे विरोध करते हैं, हमको इससे उठना है। ये मैं आपको एक दृष्टांत दिया कि हम शरीर नहीं है, इसकी एक प्रक्रिया है आगे जाने की। तो महाराज जी, एक बात छोटी सी पूछ रहा हूँ। हाँ, पूछिए। अब ये बाबा जी बन के आप खुश हैं या नहीं? देखिए, बाबा जी बाबा आप बताइए, आपके बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, नहीं हैं। हाँ। होंगे भविष्य में कि नहीं? मालिक ने चाहे तो होंगे, भगवान चाहे तो हुआ। मान लीजिए बच्चे हुए, तो बच्चे जब हो जाएंगे और बच्चों के बच्चे हो जाएंगे तो असली बाबा आप होंगे कि हम होंगे, बताओ। आप बताइए। नहीं, जैसे महाराज जी बन के, जैसे आपने ये सुनिए, मैं आपको बताऊं जी कि बाहर का वेश बना लेने से कोई प्रसन्नता नहीं होती है। आप ये समझ लीजिए, प्रसन्नता होती है मन की, और मन में प्रसन्नता तब आती है कि जब हमारे दैवी गुणों का विकास होता है जी। हम हमारे प्रति आपने कोई ऐसा व्यवहार कर दिया, हम खिन्न हो गए। आपने हमको माला पहना दिया, हम प्रसन्न हो गए। इसका मतलब कि हमारी प्रसन्नता आपकी माला के अधीन है और हमारी खिन्नता आपके दुर्व्यवहार के अधीन है। इसका मतलब कि हम महात्मा नहीं हैं। हमारी प्रसन्नता आपके आपके मतलब संसार की किसी वस्तु के अधीन न हो, और हमारे अंदर संसार की किसी वस्तु से क्षोभ न हो। अगर क्षोभ हुआ तो भी उसको दबा दे। जैसे हवा ठंडी लगती है, ठंडी तो सबको लगती है, लेकिन एक होता है उसको, जैसे क्रोध सबको आता है, एक क्रोध को पी गया, एक क्रोध के अनुसार किसी को मार दिया। क्रोध को पी जाना, अपमान को पी जाना, ये जिसमें आया वही महात्मा है, और इसी के लिए सब प्रयास है, सब साधन है। आप खुश हैं जी पूरा? हाँ, तो हम लोग तो इसमें संतुष्ट हैं, और हमारे पास जो आते हैं वो भी संतुष्ट होते हैं, भी मैं आपको बताऊं जी, बिल्कुल संतुष्ट हो गए। नमस्ते महाराज। हेलो, राइट नाउ आई एम जस्ट एट दिस लवली डेकोरेशन बाय हिल्टन होटल एंड इट्स रियली ऑसम। इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं जब मैं कैमरा स्विच करूँगी, बट आई एम रियली रियली ग्लैड कि आई एम सीइंग ऑल दीज बलून्स ऑन माय बर्थडे, व्हिच इज़ समथिंग व्हिच आई थिंक आई डिड व्हेन आई वाज अ किड, बट अभी नहीं। And obviously these are the people who are obviously enjoying this bonfire with me. We have Gaurav, we have Sagramji, we have Surbhi ji, we have Vandanji. They both have been my new friends apparently, because they have been very great with their hospitality. I've come to Mount Abu technically for the first time and I'm really glad to be staying at their places. So I hope you are glad to have us as your guests. Absolutely. It was such a pleasure to host you and getting to know you. I wish you stayed longer. Yes, but it's just that we have to reach Ahmedabad before Diwali, so we have to figure this everything out. But you're always welcome to come again, so next time we'll take you for some trekking, and when it's better times, when COVID gets over. Yeah, it's really, really cold. Yeah. Surbhi ji, so it was nice to kind of witness your hospitality. Aapko kaisa laga? Payal Rohatgi and family and Sagramji so and much. Family. We are really delighted to have you here. Okay. And thank we hope you. We keep coming back to you. Thank keep coming you. Back thank to thank us. You. And thank yes, you. Next time I hope it's a little lesser cold because we are just looking at these beautiful bonfires and doing a deal ki bhaiya hamare terrace pe bhi bonfire hona chahiye because this is really, really awesome. Gaurav is as usual the quiet spectator and wahan pe Sangram ji. Achha, he's no words. Abhi ke liye abhi kuch he's speechless. He's speechless na. Oh, this light. So, this is one of my new friends. What's your name? Amara. Amara, it's my birthday. Will you wish me? Happy birthday.
सो थैंक यू कभी कभी क्लोज द वीडियो. सो आज हम अपना अभी केक काटने वाले हैं एंड द केक इज ऑब्वियसली pineapple. Yesterday was chocolate but it was dark, so today it's going to be pineapple and the whole area is lit up. Pineapple is color white and it's the color of peace. Oh, nee, I'm just doing cuts yaar. I'm just making footage. Sugar free ya cake? Sugar free thoda. Nahi sugar free hai. Nahi. Bola tha maine. On paper sugar free hai. On paper sugar free. Yes. Sugar free. Hello. Ah, sugar free. It is sugar free. Mm-hmm. The sponge is completely sugar free. Aap thoda bahut uske icing mein hoga hai. Icing sugar to uske. So cake, now let's cut the cake. So the two men who have been my pillars for my birthday celebration, कौन सा साल ये हम बात नहीं करेंगे, but thank pillar? you. Pillar? What kind? What did we support? साल कौन सा है? 57 वाँ? नहीं 57 नहीं है. 57 वाँ साल है. 57 नहीं है. So let's not get into that zone, Sangram ji. Soon you will be getting concession on air tickets. No, it is not the Macron situation. Okay, so thank you. तो अभी मेरा दिन ख़त्म होता है. जी हाँ, आई एम इन माई बेड वेटिंग टू गो टू स्लीप बिकॉज मैं अपने स्लीप टाइम से बहुत ज़्यादा देर तक जागी हूँ, सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे एंड डूइंग वट एवर आई थॉट आई शुड डू ऑन माई बर्थडे. जी हाँ, मेरे इस जर्नी को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद जितने भी लोगों ने मेरे इस जर्नी को सपोर्ट किया है एंड पीपल हु हैव मेड माई डे वंडरफुल. थैंक यू एवरीबडी. थैंक यू संग्राम जी. थैंक यू गौरव. थैंक यू एवरीबडी जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया इन वट एवर वे दे कुड टू मेक दिस डे स्पेशल. और हम कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे टू मेक दिस कंट्री स्पेशल. जी हाँ, जय हिंद, भारत माता की जय.